नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वासुदेव, क्या हुआ पिताजी? वासुदेव, क्या हुआ पिताजी? वासुदेव, मंदिर के गर्भगृह को खोला जा रहा है। महेंद्र वर्मा और उनका बेटा शेखर वर्मा उसे खोल रहे हैं। इतने सालों से उस गर्भगृह की देखरेख मेरे पिताजी करते आए थे। जब मेरे पिताजी उस गर्भगृह की देखरेख करते थे, तब वो लोग कड़ी खेला करते थे, और अब उस खजाने में आधा हिस्सा उन लोगों को चाहिए, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। क्या देना चाहिए? नहीं पिताजी। तो चल मेरे साथ। श्री कृष्ण, चल। तो भी बच्चा है। पहली बार जब मैंने हाथ में हथियार लिया था, तब मैं 13 साल का था। यह सिर्फ 1 साल छोटा है। चल हमारे साथ। खराबा नहीं, तुम्हारे पिताजी यानी मेरे छोटे चाचा ने मरने से पहले जैसा कहा था, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। गर्भगृह के खजाने का हम दोनों बराबर बराबर हिस्सा बांट लेंगे। आधे हिस्से की बात हमें नहीं सुननी है। अंदर जो भी है सब कुछ मेरा है, और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का है। गर्भगृह का द्वार खोलने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। चलो, जबरदस्ती मत करो। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रास्ता छोड़ो, महेंद्र आगे से हटो। मैं नहीं हटूंगा। जाओ महेंद्र आगे से, ये गलत कर रहे हो। रास्ता छोड़ो। नहीं हटूंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं हटूंगा। माता देवी माँ, इस हवेली में जो खून खराबा हुआ, उस संबंध में राजा के कर्मचारी और सरकारी लोगों ने साथ में मीटिंग की। उसके बाद मुख्य पुजारी ने यंत्र की पूजा की, तो पता चला कि इसका कारण मंदिर में खून का छींटा गिरना है, जिसकी वजह से देवी ने श्राप दिया है, और इसीलिए देवी के मुकुट का रत्न भी फटा। राज पुरोहितों ने 7 दिन तक इस दोष को दूर करने के लिए पूजा पाठ किया। उसके बाद 41 साल के लिए उस गर्भगृह को बंद रखने का निर्णय लिया गया। 41 साल के बाद मंदिर के खजाने को 4 उत्तराधिकारियों में बराबर बराबर बांटने का फैसला किया गया। मौके पर मौजूद उत्तराधिकारियों और गवाहों की उपस्थिति में वकील के द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज पर सब लोगों ने हस्ताक्षर किए। महेंद्र वर्मा की संतानों में शेखर वर्मा और राजशेखर वर्मा, और देवेंद्र की संतानों में वासुदेव वर्मा और श्री कृष्ण वर्मा को उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके बाद गर्भगृह के दरवाजे को 4 ताले लगाकर बंद कर दिया गया, और इस तरह हवेली फैमिली ट्रस्ट में आ गई। बिल्कुल सही कहा आपने। Just a sec, it's okay. Okay, okay. Maria? Excuse me? Yes, sir. Maria? Yeah? तुमने जो सिंगर अरेंज किया है उसके बारे में किसी ने नहीं सुना है। पता नहीं वो कैसा गाता होगा। हम इस शादी पर 10 करोड़ खर्च कर रहे हैं। देखो, ये मेरी इकलौती बेटी की शादी है। सोनू निगम या श्रेया घोषाल को अरेंज करना चाहिए था ना, उसकी जगह तुमने ये, क्या नाम है इसका, वो, हाँ, जॉन क्लिम्फ।
सोनू निगम या फिर श्रेया घोषाल ग्रेट सिंगर्स हैं सर, पर दे आर टू फैमिलियर टू द क्राउड, तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। एंड यू नो व्हाट, ही इज अ मल्लू, पक्का मल्लू है ये जॉन क्लिम्प। बॉब मार्ली के क्रेज की वजह से जब 20 साल का था तब जमैका चला गया था ये। एक बार ये म्यूजिशियन आ गया ना सर, पार्टी में धूम मच जाएगी। थैंक यू। नाउ ही इज बैक इन इंडिया आफ्टर 30 इयर्स, यहाँ आकर पहली बार गाने वाला है, वो भी हमारे लिए। ट्रस्ट मी सर, जॉन क्लिम्प इज गोना रॉक टुनाइट। रागा और इंडियन म्यूजिक मिक्स करके एक फ्यूजन, दैट टू विद मलयालम लिरिक्स, ये उसका वादा है सर। चाहे कोई भी फ्यूजन हो लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके सर, आई विल डू। मेरी बेटी का ससुर एक बहुत बड़ा बिलेनियर है, NRI है, पर अंदर से अभी भी पुराने विचार वाला। दहेज उसे कैश में ही चाहिए, और वो भी आज ही। एक काम करो, तुम स्ट्रॉन्ग रूम से पैसे निकाल कर अपने कमरे में रखो।